होकर के मुझे घूर रहा है। तू जवान हो गया, तुम रोज मुझे डाली टिका लो, मैं डाली तभी नहीं बटूंगा। तू गाली नहीं बकेगा तो भुवन बम कैसा बनेगा? तू तो कहता भुवन बम बनेगा, और जब गाली नहीं बकेगा तो भुवन बम कैसा बनेगा? मैं मन्ना तो खाता हूँ, लेकिन ये चुट्टी के क्या है? ये चुट्टी के अंकी, ये मेरा स्टाइल है। भाग जाओ यहाँ से, वरना चड्डे उतार के पकौड़ो तल दूंगी। अबे नंगे मंगे, अंटी को गाली दे रहा है। अबे बोतनी के केंद्र में दूसरा जेट कर दूंगा। अबे उस चेयर पे मैं घुस जाऊंगा। तुम लोग के डंडे डंडे टूं टूं टर हवाले बैठा रूम रहा है। तू बम बम निपने तू हमरा जान बनेगा। तुम सब बहुत लंडियाबाजी करते हो, जैसे चाची नहीं समझते हो, चूतिया समझते हो। तुम दाते डांडी नहीं डंडे से डाले। तू तो बहुत भोला भाला बनता राघव। तूने कल प्रिंसिपल की लड़की को गर्मा गर्म मां नहीं खा था? कहा था यार मुझे अच्छी लग रही थी। साले ट्रेनिंग ले रहे हो, एक दिन पराठे कितना बकोगे? ट्रेनिंग में तू फेल हो गया है, गाली बकने में तुम्हारी माँ है। तो मेरी माँ तो गाली बक रही है। अरे वाह, तूने मुझे तूने ट्रेनिंग का पहला पार्ट पूरा कर लिया। गाली बकेगा? सुना है तू गाली बकने लगा है, तो दे मुझको गाली। वो माँ बनेगा चूती है साले हरा। अरे वाह वाह, इसने तो ट्रेनिंग पूरी कर ली। अब ये भुवन बम नहीं बिट्टू बम भी बन जाएगा। अपने हरामी मंडली में शामिल कर लो इसे। बहुत गंदी गंदी गाली बकेगा ये। रात में गाली नहीं बनना चाहता था। गाली मत बकना, गाली बहुत बुरी बात है। तुम बहुत छोटे हो, तुम क्यों गाली बकते? हम बुआ बाप बनना चाहते, इसलिए गाली तो बकेंगे ही। हम समझदार हैं, हमको समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे आंटी के सामने जाना है गाली सीखने, तुम्हें बकवास की टाइम नहीं है। मेरा काम तुम लोगों को समझाना, बाकी तुम्हारी मर्जी। अगर तुम लोगों को भुवन बम बनना है, गाली तो बकनी ही पड़ेगी। यस मैम। माँ से मदद, माँ से मदद, माँ से मदद, माँ से मदद, माँ से। आजकल तरक्की करने के लिए गाली तो बकना ही पड़ेगा। गाली बकते तो लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। बको गाली। मैं पूरे ईमानदारी से गाली सिखाती हूँ, और जिसको सीखना है वो मेरे पास आए।
उल्लू के बिद्दी। अबे माँ के भालू। अबे तेरी बहन फट गई। माँ के बहन मैं मन दिया भुआम बाम। इस फिल्म से हमारा उद्देश्य गाली सिखाना नहीं, बल्कि ये बताना है कि जो भी यूट्यूबर और कलाकार फेमस हुए हैं, वो अपनी कला व अभिनय से मशहूर हुए, ना कि गाली बकने से। इसलिए बच्चों को अपनी पाठशाला में शिक्षा को प्राथमिकता देना चाहिए। इसी शिक्षा से संस्कार, ज्ञान व धन की प्राप्ति होगी।